त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों के आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जल्दी से आप तक शुरुआती जो रुझान है वो रख देते हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं फिलहाल की जो शुरुआती रुझान के सामने आए हैं उसमें त्रिपुरा में साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर बीजेपी अकेले दम पर आगे चल रही है। इसी के साथ अगर बात करें तो नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टी एनडीपीपी के साथ आगे चल रही है, यानी कि नागालैंड और त्रिपुरा इन दोनों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक राज्य में स्वयं के बलबूते पर, दूसरे में गठबंधन पार्टी एनडीपीपी के बलबूते पर, दोनों मिलकर यहां पर शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं नागालैंड में आपको बता दें कि मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एनपीपी आगे है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि पूरे तौर पर मेघालय के अंदर एनपीपी को ही जीत दर्ज होगी, जिस तरह से जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं और एक मेजोरिटी के साथ यहां पर एनपीपी दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की ताकत बढ़ी है अभी तक के जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं, और कांग्रेस मौजूदा ताकत से और जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर कांग्रेस का अपना दबदबा रहा है उसमें भारी गिरावट यहां पर इन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अभी तक के जो आंकड़े हैं उस वो ये कह रहे हैं कि उसमें भारी गिरावट कांग्रेस के लिए दर्ज की गई।